ए प्लान दोनों भाइयों के लिए बनाया गया मिड पॉइंट से डिवाइडेड करके। प्लॉट साइज 30 फीट बाई 42 फीट, 30 फीट आपका फ्रंट और 42 फीट इस डायरेक्शन में। प्लॉट में आपका एंट्रेंस यहाँ से होगा स्टेयर के नीचे से, यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज़ है 4 फीट। इस स्टेयरकेस का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकेंड राइजर यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और यहाँ पर फ्लैट 1 का डोर और यहाँ पर फ्लैट 2 का डोर। और यहाँ से होगा आपका स्टेयरकेस का आप। और इस स्टेयरकेस के नीचे ही आप 2 बाइक पार्किंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई है 7 फीट 10 इंच। इस प्लान में मैं सिर्फ आपको फ्लैट ए दिखाऊंगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर है सिटिंग एरिया और बाई तरफ किचन के साथ डाइनिंग और यहाँ पर एक विंडो, और इस विंडो से ही इस ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 8 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 12 फीट 9 इंच। और एक किचन इस डायरेक्शन में 5 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 6 फीट 2 इंच का होगा। और इस डाइनिंग एरिया का चौड़ाई है 7 फीट। आप देखते आपका फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर मिलेगा आपको फर्स्ट बेडरूम का डोर। डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 10 इंच का होगा। रूम में 2 विंडो है और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 3 फीट। आप देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। इस रूम से बाहर आते ही इस रूम के ऑपोजिट में यहाँ पर मिलेगा सेकेंड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज़ है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 11 इंच का होगा। इस रूम में भी 2 विंडो है और इस रूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट। इस टॉयलेट का साइज़ है इस डायरेक्शन में 3 फीट 9 इंच और इस डायरेक्शन में 3 फीट 7 इंच। अब इस रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। इस रूम के पास यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट विदाउट फ्रेम। और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 3 फीट 9 इंच और इस डायरेक्शन में 7 फीट 10 इंच का होगा। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा होगा। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन के लिए इस टॉयलेट के पीछे यहाँ पर अटैच टॉयलेट के ऊपर लिंटन लेवल पर अगर आप एक्स्ट्रा रूप देंगे तो इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा हो जाएगा। आप देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 7 फीट 10 इंच बाई 16 फीट 9 इंच, 16 फीट 9 इंच ऐसे लेकर यहाँ तक होगा। और इस स्टेयरकेस में आपका ऐसा होगा, ये आपका फर्स्ट राइजर और ये फर्स्ट राइजर ऐसे 4 फीट की दूरी पर स्टार्ट होगा यानी इस लॉबी का चौड़ाई है 4 फीट और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 4 फीट 6 इंच। इस स्टेयरकेस में सिर्फ इस लैंडिंग का 1.5 फीट हिस्सा बाहर रहेगा और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 22 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक।